दोस्तों ये हमारा प्रिंटर मशीन है, इसमें एरर क्या दिखा रहा है, ई ये किसके कारण आ रहा है, आज हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये क्योसेरा का हमारा प्रिंटर मशीन है, ये किसके कारण हमारा ई एरर आ रहा है, आज हम इस वीडियो में यही फिक्स करने वाले हैं। दोस्तों जो हमारा ई एरर होता है क्योसेरा प्रिंटर में, वो मैक्सिमम क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट टोनर बॉक्स होता है वो फुल हो गया होता है, इसी के कारण हमारा ई एरर दिखाता है। ये देखिए ये हमारा ई वेस्ट टोनर बॉक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये फुल हो गया है तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे और इसको खाली करके फिर दोबारा लगा के हम चेक करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा अभी ओपन दिखा रहा है, ये हमने वेस्ट टोनर बॉक्स को बाहर निकाल लिया है इसलिए ये ओपन दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, वेस्ट टोनर बॉक्स को अच्छी तरह से क्लीन करके खाली करेंगे। वेस्ट टोनर बॉक्स को निकालने के बाद हम इसको एक डस्टबिन में अच्छी तरीके से खाली करेंगे और इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लगा के देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। तो इसको अच्छी तरह से चलिए क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम लगाएंगे। अच्छे से क्लीन करने के बाद और इसको खाली करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम वेस्ट टोनर बॉक्स को वहीं पे लगाएंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया और इसको हम बंद करते हैं। बंद करने के बाद सारे कवर को हम बंद कर लेंगे क्योंकि ओपन लिखा आ रहा है, तो सारे कवर को हम बंद कर लेते हैं उसके बाद चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा वो अभी वन लिख रहा है, जो एरर दिखा रहा था वो अभी नहीं दिखा रहा है। तो हम अब क्या करेंगे कि प्रिंट करेंगे, तो चलिए हम प्रिंट करके देखते हैं। तो दोस्तों ये प्रिंट हमने, ये देखिए ये हमारा प्रिंट निकल रहा है, तो ये देखिए ये हमारा प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि ई एरर को फिक्स आउट करेंगे।